आईएसओ ऑडिट की बात करेंगे। आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें ऑडिट कैसे होता है, ऑडिट के क्या तरीके हैं, क्या क्या ऑडिट के फेजेस हो सकते हैं, ऑडिटर के क्या काम है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं अभी। तो ऑडिट क्या हुआ? ऑडिट एक ऑन साइट वेरिफिकेशन एक्टिविटी होती है जिसमें हम इंस्पेक्शन करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं प्रोसेस का, ताकि सिस्टम की क्वालिटी पता कर सके और इंश्योर कर सके कि जो रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई कर रहा है प्रोसेस या सर्विस या प्रोडक्ट। अब देखिएगा कि ऑडिट ये पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जा सकता है या केवल किसी फंक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन स्टेप के लिए किया जा सकता है। तो आईएसओ 19011 2011 गाइडलाइंस के तहत जो ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ऑडिट के लिए जो संज्ञा दी गई है, जो व्याख्या की गई, वो ये है ऑडिट है एक सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, ताकि आप ऑडिट का एविडेंस ले सके किस तरीके से, कि आप रिकॉर्ड हो, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो या कोई और इंफॉर्मेशन हो जो इससे जो रिलेवेंट हो, जो वेरीफाइबल हो, और साथ में इवेल्युएट कर सके, इवेल्युएट इट ऑब्जेक्टिवली टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। अब इसको देखेंगे तो कितना ये सब जब मिल जाएगा आपको, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना आपने ऑडिट कितना सक्सेसफुली हुआ है, कितना फुलफिल किया है ऑडिट को। तो तीन टाइप के आपके ऑडिट हो सकते हैं। आपका प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें आपकी सर्विसेज आती है, प्रोसेस है और सिस्टम है, ये तीन टाइप के आपके ऑडिट हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके डेस्क या डॉक्यूमेंट रिव्यू ऑडिट भी हो सकते हैं, जो डेस्क जो इसके साथ इंडिपेंडेंटली किए जा सकते हैं, जो इनके साथ सपोर्ट के तौर पे। तो जो डिपार्टमेंट वाला ऑडिट है और या फंक्शन ऑडिट है, वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फंक्शन से रिलेट हो सकता है, उसी परिधि में हो सकता है। और जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो कहाँ तक हो सकता है? वो मैनेजमेंट इंटरेस्ट का ऑडिट हो सकता है, ताकि उस किसी पर्टिकुलर एरिया की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को असेस करने के लिए। ऑडिट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, किस तरीके से उन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप क्या है। जैसे समझिए इंटरनल ऑडिट, ये क्या हो गया, ये परफॉर्म किया जाता है उन एम्प्लॉय द्वारा, उन लोगों द्वारा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में ही है, उसमें एम्प्लॉयड है। और एक्सटर्नल ऑडिट कौन सा हो सकते हैं? एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो आउटसाइड एजेंट करते हैं, बाहर के एजेंट करते हैं। और इंटरनल ऑडिट जो है उसे हम फर्स्ट पार्टी ऑडिट भी कहते हैं, और जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसे हम सेकेंड पार्टी या थर्ड पार्टी ऑडिट कहते हैं। तीन टाइप के आपके ऑडिट हो सकते हैं, कौन कौन से? एक प्रोडक्ट ऑडिट, एक प्रोसेस ऑडिट और एक आपका सिस्टम ऑडिट। तो प्रोडक्ट ऑडिट में क्या क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑडिट में आपका आएगा एक एग्जामिनेशन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का, जिसमें हार्डवेयर हो सकता है, प्रोसेस मटेरियल हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, किस लिए? टू इवेल्युएट, इवेल्युएशन के लिए, कि क्या वो रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म कर रहा है, क्या जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से वो ठीक बैठ रहा है, जिसमें स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो सकते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। प्रोसेस ऑडिट क्या हो सकती है? ये वेरिफिकेशन है कि जो प्रोसेसेस है वो जो लिमिट्स है, एस्टैब्लिश लिमिट है, उसके बीच में उसके तहत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो सकता है कि किसी ऑपरेशन या मेथड, किसी जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या स्टैंडर्ड दिए हैं उसके हिसाब से हम ऑपरेशन कर सकते हैं, मेथड चला सकते हैं, और फिर देख सकते हैं कि कंफर्मेंस है कि नहीं, जिस जो स्टैंडर्ड उसके ऊपर लाए गए हैं कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, इसको एवेल्युएट कर सकते हैं प्रोसेस ऑडिट में। तो मैं आप थोड़ा उसको एग्जाम्पलीफाई करता हूँ, जो मैंने अभी बोला कि ऑडिट में आप कन्फर्मेंस चेक कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट, और रिसोर्सेज को एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे इक्विपमेंट, मटेरियल और लोग भी रिसोर्सेज में आते हैं। दूसरा यह है कि आप एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस वो प्रोसेस कंट्रोल के एस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्रोसीजर देख के, वर्क इंस्ट्रक्शंस को देख के, फ्लो चार्ट को देख के, ट्रेनिंग को देख के और जो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन है उनको देख के। फिर आता है सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट क्या होता है? ये सिस्टम ऑडिट मतलब जो मैनेजमेंट सिस्टम पे किया जाता है। जो देखिए, अभी आपने एक प्रोसेस ऑडिट देखा, इसके पहले आपके प्रोडक्ट ऑडिट था, प्रोडक्ट पे किया गया, प्रोसेस ऑडिट किसी फंक्शन या उस पे किया गया, लेकिन यहाँ पर आपका सिस्टम ऑडिट है। तो
सिस्टम ऑडिट क्या हुआ, सिस्टम ऑडिट पूरे मैनेजमेंट पे किया जा रहा है, अकाउंट ऑडिट कनेक्टेड ऑन अ मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज योर सिस्टम ऑडिट। तो इसमें इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी, एक डॉक्यूमेंट एक्टिविटी ताकि वेरीफाई कर सकें, एग्जामिन कर सकें और इवैल्यूएट कर सकें, इवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट एप्लीकेबल एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव एंड हैव बीन डेवलप्ड डॉक्यूमेंट एंड इंप्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस एंड इन कंजक्शन विद अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। देखिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ आपको कि आप ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट कैसे कर रहे हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एक्टिविटी है, अब वो आप वो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है जो रिक्वायरमेंट से अगेंस्ट में, वो सिस्टम के लिए जो एक्टिविटी लेट डाउन है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट ये क्या करता है, ये इवैल्यूएट करता है एग्जिस्टिंग क्वालिटी प्रोग्राम, ताकि जो कंपनी की पॉलिसीज है, कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट्स है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, वो कंफर्म कर रही है कि नहीं कर रही, वो कंपनी इससे कंफर्म कर रही कि नहीं कर रही, जो लेट डाउन कंपनी की पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ISO का मतलब ये क्या है कि जो आप करना चाहते हो उसे लिखो और जो आपने लिखा है वो करो, यही मतलब एक पंच लाइन है ISO की। आप कुछ भी लिख सकते हो, वो जो लिख रहे हो उसको करना है, लेकिन और वो जो लिखा है वो आप वो भी ISO को फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए आप वही चीज़ लिखोगे जो चीज़ अच्छी होगी। जैसे और मैं थोड़ा सा इसके इंटीरियर जाता हूँ, जैसे एनवायरनमेंट सिस्टम ऑडिट है, ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को एग्जामिन करेंगे, और जैसे आपका ये फूड सेफ्टी सिस्टम ऑडिट है, ये एग्जामिन करेगा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, और सेफ्टी सिस्टम ऑडिट है ये एग्जामिन करेगा सेफ्टी सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम को। फिर अब बात आती है इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, जिसमें फर्स्ट सेकंड या थर्ड पार्टी ऑडिट आती है। फर्स्ट पार्टी ऑडिट वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, किस लिए, टू मेजर जो उसकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस, किसके अगेंस्ट, जो उसकी खुद के प्रोसीजर है, मेथड है, जो भी उसने स्टैंडर्ड फॉलो किया है, जो वॉलंटरी भी है और जो मैंडेटरी भी है, तो जो भी उसको स्टैंडर्ड उसने फॉलो किया है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने पर जो उसके जो प्रोसीजर और मेथड है उसमें कितना स्ट्रेंथ है, कितना वीकनेस है, क्या वो अच्छे जा रहे हैं, क्या वो बुरे जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्टी ऑडिट कौन करेगा, वो ऑडिटर्स करेंगे जो उसी में एम्प्लॉयड है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है। सेकेंड पार्टी ऑडिट वो करेगा जो उसमें एम्प्लॉयड नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड नहीं है। और सेकेंड पार्टी ऑडिट जो है उनके, वो तो क्या करेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट लॉ होंगे, जिस तरीके से कस्टमर और सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट अपने वो किए होंगे, लॉ बनाए होंगे। और सेकेंड पार्टी जो पार्टी ऑडिट है वो काफ़ी फॉर्मल होता है फर्स्ट पार्टी ऑडिट की जगह। फर्स्ट पार्टी ऑडिट में तो क्या होता है कि आप एक दूसरे को जानते हैं थोड़ा बहुत बातचीत से भी, या सर ये कर दीजिए, सर ये हो जाएगा, हाँ कर देंगे, ऐसा भी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें एक डिपार्टमेंट का आदमी दूसरे डिपार्टमेंट को जानता भी नहीं, लेकिन कुछ छोटे डिपार्टमेंट हो तो उसमें थोड़ी ये बात आ सकती है, तो सेकंड पार्टी ऑडिट होता ही होता है। थर्ड पार्टी ऑडिट जो होता है वो किसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन करता है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप इन सबसे इंडिपेंडेंट है। और थर्ड पार्टी ऑडिट में आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, लाइसेंस अप्रूवल मिल सकता है, साइटेशन मिल सकता है, हाँ फाइन भी हो सकता है, पेनल्टी भी हो सकती है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी ये होता है। अब ऑडिट का पर्पस क्या है, ऑडिट का पर्पस ये है कि आपको कॉम्प्लायंस वेरीफाई करना है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं कर रहा है, कन्फॉर्मेंस आपको करनी है पता, और साथ में परफॉर्मेंस पता करनी है। और कुछ जो ऑडिट्स होते हैं उसके कुछ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस होते हैं, जैसे आपको डॉक्यूमेंट ऑडिट करना है, रिस्क करना है, परफॉर्मेंस या जो कंप्लीटेड जो करेक्टिव एक्शंस है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उनको सबको देखना है। सर्टिफिकेशन मतलब ये है कि जो कंपनीज हैं जैसे हाई रिस्क कैटेगरी है, अगर आपको यूरोप में ये टॉय स्पेशल वेसल्स एलिवेटर्स ये सब ग्लास अप्लायंसेस अगर यूज करने हैं तो आप देखिएगा कि मतलब मार्केट करने हैं या मार्केट में लाने हैं तो आपको ये CE मार्क सर्टिफिकेशन क्लियर करना पड़ेगा। इससे इसका क्या है कि तरीका क्या है, बहुत बेहतरीन तरीका है, आप थर्ड पार्टी ऑडिट कर लीजिए, ISO 9001 या ऐसा कोई स्टैंडर्ड ले लीजिए, लेकिन थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि एक बार आपने ले लिया तो फिर आप
क्योंकि एक स्टैंडर्ड आपके साथ मिल गया कि ये एक्रेडिटेड है या फिर ISO सर्टिफाइड है, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो कस्टमर बोल सकते हैं कि देखिए साहब, अगर आप हमको सामान देंगे, या खुद ही बोल सकते हैं आप हमें सामान देना है तो आप ISO 9001 होने चाहिए, ISO 14001 होने चाहिए, या आपके कुछ सेफ्टी क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ फेडरल रेगुलेशंस होने चाहिए, ये सारी चीज़ आ सकती है। और थर्ड पार्टी जैसे मैंने बताया, नॉर्मली ये सर्टिफिकेशन ही होता है, ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको और किसी, अगर आप पर्टिनेंट स्टैंडर्ड या रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो। और थर्ड पार्टी ऑडिट्स जो परफॉर्म करेगा, ये कौन होना चाहिए? देखिए, इंटरनल तो हमने कर लिया, मैं हूँ आपकी, मैंने कर लिया क्योंकि आप हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं। सेकेंड पार्टी ऑडिटर जो है वो ISO कर सकता है। थर्ड पार्टी कौन होगा? थर्ड पार्टी एक ऐसा होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो और वो भी एक्रेडिटेड हो, NCASQ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जैसा। अब हम आते हैं ये परफॉर्मेंस वर्सेस कंप्लायंस वर्सेस कन्फॉर्मेंस, कितनी सारी चीज़ें आ गई, परफॉर्मेंस, कंप्लायंस और कन्फॉर्मेंस। तो ये जो चीज़ है, तीनों वर्ड्स हैं, तो बहुत सारे ऑथर्स जो हैं ये यूज द फॉलोइंग टर्म्स टू डिस्क्राइब एन ऑर्डिनेट पर्पस बियॉन्ड कंप्लायंस एंड कन्फॉर्मेंस। तो जो ये टर्म्स यूज करते हैं, इसके अलावा भी, इन तीनों के अलावा भी होते हैं, जैसे वैल्यू एडिड असेसमेंट हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, एडिड वैल्यू ऑडिटिंग हो गया, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट असेसमेंट हो गया। तो ये जो इनका पर्पस है इन ऑडिट का, दे गो बियॉन्ड ट्रेडिशनल कंप्लायंस एंड कन्फॉर्मेंस ऑडिट्स, वो इसके आगे जाते हैं, जो हम जिस कन्फॉर्मेंस या कंप्लायंस की बात कर रहे हैं ये उससे आगे जाते हैं। तो जो ऑडिट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कंप्लायंस कन्फॉर्मेंस के लिए किए जाते हैं, वो इसलिए नहीं फोकस होते कि अच्छा परफॉर्मेंस है कि बुरा परफॉर्मेंस है, वो ये कहेंगे कि जो आपने स्टैंडर्ड माने हैं, ये जो स्टैंडर्ड आपके लिए डाउन है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही काम है उनका। वो प्रोसेसेस के लिए होते हैं, तो ISO के होते हैं, ISO चेक्स फॉर प्रोसेसेस होंगे। तो कंप्लायंस और कन्फॉर्मेंस ऑडिट में अंतर क्या है? की डिफरेंस बिटवीन कंप्लायंस एंड कन्फॉर्मेंस ऑडिट एंड ऑडिट डिजाइन टू प्रमोट इंप्रूवमेंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस वर्सेस एविडेंस टू वेरीफाई कन्फॉर्मेंस और कंप्लायंस टू स्टैंडर्ड और प्रोसीजर। एक चीज तो ये होती है कि आप एक कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंस उस ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस का, और दूसरा ये है कि वो एविडेंस ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि कन्फॉर्मल और कन्फॉर्मेंस या कंप्लायंस किसी प्रोसीजर या स्टैंडर्ड के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन मे कन्फॉर्म टू इट्स प्रोसीजर फॉर टेकिंग ऑर्डर्स, बट इफ एवरी ऑर्डर इज सब्सिक्वेंटली चेंज टू और थ्री टाइम्स, द मैनेजमेंट मे हैव कंसर्न फॉर एंड वांट टू रेक्टिफाई द इनएफिशिएंसी। देखिए साथ ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कन्फर्म कर रहा है, जो टेकिंग जो ऑर्डर लेता है उसके उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड वगैरह सब फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर ये ऑर्डर कोई एक बार दो बार तीन बार चेंज हो रहा है तो फिर मैनेजमेंट क्या करेगा? तो उसको उसको इस इनएफिशिएंसी के लिए कुछ ना कुछ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अब उसके बाद एक फॉलो अप ऑडिट होता है, जैसे मैंने अभी भी बताया, उसके लिए है ये कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट प्रोसेस या सिस्टम ऑडिट किया, कुछ आपको करेक्टिव या एक्शन दिखा, तो आप उसको फिर से आप ऑडिट करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि देखिए साहब ये चेंज करेंगे। अब वो चेंज करना है तो कैसे करेंगे आप उसको? थोड़ा सा वेट करेंगे या फॉलो अप ऑडिट करेंगे? तो फॉलो अप ऑडिट क्योंकि थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, इसलिए आप क्या करते हैं इसमें कि जो अगला ऑडिट करेंगे ना उसी समय ये करेक्टिव वाले भी कर लें। चार फेजेस होते हैं ऑडिट के, एक ऑडिट प्रिपरेशन या तो तैयारी सारी, ऑडिट परफॉर्मेंस यानी कि फील्ड वर्क पे जाके ऑडिट करना, फिर आपका ऑडिट रिपोर्टिंग होती है कि जो आपने ऑडिट वगैरह कर लिए है उसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कम्युनिकेट करना, और उसके बाद ऑडिट फॉलोअप एंड क्लोजर यानी कि ऑडिट जो है इसका फॉलोअप ऑडिट और उसके बाद उसका क्लोजर। तो इसमें बड़ी अच्छी बात कही गई है कि ऑडिट इज कंप्लीटेड व्हेन ऑल द प्लान्ड ऑडिट एक्टिविटीज हैव बीन कैरिड आउट और अदरवाइज एग्रीड विद द ऑडिटर। मतलब जो है कि ऑडिट ये माना जाता है कंप्लीटेड जब सब एग्रीड अपॉन हो या फिर जो ऑडिट एक्टिविटी सारी की गई है। तो जैसे मैंने बताया कि जो फॉलोअप एक्शन है ना, वो आपके नेक्स्ट ऑडिट के भी सब्सिक्वेंट वो हो सकते हैं, उस समय कर सकते हैं आप। अब नॉन कन्फॉर्मिटी निकल आई, मतलब जो स्टैंडर्ड से कन्फॉर्मेंस नहीं है, मतलब नॉन कन्फॉर्मिटी निकल आई, तो आप करेक्टिव एक्शन ले सकता है, कोई जो भी पार्टी है वो कनेक्शन करेक्टिव एक्शन ले सकती है ताकि वो उन कॉजेज को हटा सके, उन डिफेक्ट को हटा सके और कोई भी अनडिजायरेबल सिचुएशन को हटा सके। और जबकि प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है? प्रिवेंटिव एक्शन ये होता है कि द एक्शन विच इज टेकन टू एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ अ पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मिटी, यानी करेक्टिव तो मतलब ये है कि बुखार हो गया तब दवाई दे रहे हैं, और प्रिवेंटिव एक्शन मतलब ये कि बुखार ही ना, है ना, वो सारी चीज़ें प्रोएक्टिव भी कहते हैं।
तो ये बात हो गई आपके आईएएस ऑडिट की। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा, अब आप ऑडिटर बनने के लिए तैयार हैं। और शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।